क्या काम जी? चलो जी, मैं तो इसको बंद ही कर रहा हूँ जी। ये लो, ये मैंने ऑन किया, ये मैंने क्रॉस में लगाया, चल बंद हो जा, हो गया ना बंद। चल शुरू हो जा। लो मेरे बेटे, लो बेटे, 2-3 मिनट की बात रहेगी। मैंने कहा हम डिसीजन क्राइटेरियाज को डिस्कस कर रहे हैं, और डिसीजन क्राइटेरियाज में हम इस समय क्या कर रहे हैं। एक तो हम यहां पर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बातें कर रहे हैं और डिस्काउंटेड की बातें कर रहे हैं। नॉन डिस्काउंटेड में हम एक टूल पेबैक की बात कर चुके हैं, बाकी टूल्स की बातें अभी करनी है। इसी तरह से डीसीएफ में हमने अभी किसी भी टूल की बात नहीं की है, लेकिन पहले क्वेश्चन में मैं ये बातें आपको समझा पाऊंगा। और एक इसके बड़े भैया, पे बैक पीरियड क्वेश्चन नंबर 1। बस बेटे, यकीन मानिए, मैं आज पहले क्वेश्चन से आपको ये 5 कॉन्सेप्ट्स छोटे छोटे बता पाऊंगा जो आपने 11 नंबर तक लिख लिए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 11 तक लिख भी लिए बेटे, मैंने आपको पे बैक पीरियड बताया और उसके ड्रॉबैक्स बताए, कमियां बताई। पहली कमी कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर ही नहीं करते, और दूसरी कमी ये कैश इनफ्लोस जो जो ऑल कैश इनफ्लोस को कंसिडर नहीं करते। बेटे दो कमियां बताई। बेटे इसकी एक कमी तो हम दूर कर देंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इस टूल की मदद से। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। निकालिए कंसेप्ट, पढ़िए एक बार। अब ये कैसे कंसिडर करता है वो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ईयर। कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। आराम से मेरे बेटे, क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस। आराम से मेरे बेटे, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। बेटे टिन्ना सा लिख दिया, जगह थोड़ी सी मैंने गलती से ईयर में ज्यादा दे दी, कोई बात नहीं बेटे, आराम से। बेटे पहले मैं मशीन ए का करूंगा, फिर आप मशीन बी का करेंगे, बारी बारी मेरे बच्चे, बारी बारी। लो बेटे, लो मेरे लाल, ले लो ना बेटे, ले लो ना, कर लो ना मेहनत बेटे। इसके बाद तो दिवाली दिवाली है ना। आओ बेटे, आओ मेरे बेटे, मैंने तो लिख भी दिया। अब बेटे यहां पर डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का है, कैलकुलेटर प्रयोग करना। और 0 पीरियड में हमेशा 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए ही है। आज 100 रुपए की कीमत 100 रुपए है। अब बेटे फर्स्ट ईयर के लिए क्या करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.10। बेटे मैंने बताया था, बेटे बताया नहीं था? वन फर्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे? 1 अपॉन 1.10 रेज टू पावर 1, फिर 1 अपॉन 1.10 रेज टू पावर 2। तो इसके लिए क्या करेंगे? जैसे ही आ गया 0.9090, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू। बेटे मैं वही कर रहा हूँ कैलकुलेटर से, तो मेरे कैलकुलेटर में 0.9090 आ भी गया।
फिर इक्वल टू 0.826, फिर इक्वल टू 0.7513, फिर इक्वल टू 0.6830, फिर इक्वल टू 0.6209। लो बेटे, लो मेरे बेटे, कैलकुलेशन मेरे साथ साथ करनी है बेटे, तब तो फायदा है। ये 5 लाख रुपए मेरे बेटे आउटफ्लो कर दिया आराम से, 150,000 into 0.9090 बेटे, 4 डेसिमल तक यूज करेंगे, 136,350। एक पैंसठ दो सौ 1,87,825, 1,02,450, 62,090। आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैंने इनफ्लोस की प्रेजेंट वैल्यूज निकाल दी। अब मैं, क्योंकि डिस्काउंटेड में हम मनी को कंसिडर करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, अब मैं देख रहा हूं कि 5 लाख रुपए कितने साल में आ जाएंगे। पहले साल 1,36,350 आ जाएंगे, दूसरे साल तक बेटे 3,01,550 आ जाएंगे, आराम से बेटे करके देख लो। तीसरे साल तक बेटे 489,375 आ जाएंगे बेटे, मैं तो रुक गया हूं ना बेटे। अप टू थर्ड ईयर तक 489,375 आ जाएंगे। मुझे 5 लाख चाहिए बेटे, पांच ही चाहिए, पांच पांच चाहिए बेटे। और कितने चाहिए? 10,625, चेक कर लीजिए। और मेरे को अगले साल मिलेंगे 1,02,450 12 महीने में, तो 10,625 कितने महीने में मिल जाएंगे? लो बेटे, लो मेरे बेटे, ये आ गया बेटे, आराम से देख लो बेटे। जल्दी ना करना, देखो जल्दी करना था ना, कैलकुलेशन गलत हो जाती है बेटे। ये आ गया बेटे, ये आ गया मेरे लाल, 10,625 अपॉन 1,02,450 इंटू 12 बेटे महीनों में किया ना, तो यार 1.24 मंथ्स आगे नहीं कर रहा बेटे, एक साल, दो साल, तीन साल, यहां लिख रहा हूं बेटे 3 ईयर्स, 1.24 मंथ्स। ये लो बेटा, मशीन ए का मैंने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल दिया, मशीन ए का मैंने डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकाल दिया 3 ईयर्स 1.24 मंथ्स। अब इसका मतलब लिख लेते हैं, इट इंप्लाइज इफ इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बीइंग कंसिडर्ड, इफ इन्फ्लेशन और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बीइंग कंसिडर्ड, देन 3 ईयर्स एंड 1.24 मंथ्स विल बी रिक्वायर्ड टू रिकवर ओरिजिनल कैश आउटफ्लो ऑफ ₹5 लाख। बेटे मैं अगर आपकी जगह होता
तो यकीन मानिए पूरा लिखता, 5 लाख रुपए तक लिखता तब मेरे नंबर आते। ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुआ, लेकिन मैं एक एक बार बता दूं, आखिरी में जीत गया मैं, क्योंकि मैंने प्रेजेंटेशन में ध्यान दिया। तो लिखिए आप सभी, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना चाहूंगा जो आपको समझना चाहिए यहां पर। वो इंपॉर्टेंट नोट ये है कि अगर आप पेबैक पीरियड देखें और एक डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड देखें, तो मशीन ए का ही देख लें अगर, तो मैं वो स्लाइड अगर खोलूं आपके सामने, वैसे दिख नहीं रही, लेकिन अगर आपके पास हो तो देख सकते हैं, 2 ईयर्स 7.2 मंथ्स था, और यहां पर है 3 ईयर्स 1.24 मंथ्स। एक बात समझ आती है क्या, कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड हमेशा लंबा होगा एज कंपेयर टू पेबैक पीरियड। मतलब टाइम, मतलब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में समय ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल पेबैक पीरियड। तो एक छोटा सा चीज लिख लें, इट मे बी नोटेड दैट, इट मे बी नोटेड दैट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड विल ऑलवेज बी लॉन्गर देन नॉर्मल पे बैक पीरियड बिकॉज इन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड वी कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, इस बात का आपने ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप प्रोजेक्ट बी का डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जरूर निकालेंगे, और उसका आंसर मैंने नीचे लिखा भी हुआ है अपने क्वेश्चन के नीचे। दोस्तों मशीन बी का अभी कर लें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, मैं आपको 2-3 मिनट दे रहा हूं। कहते हैं कि जो काम करना चाहिए कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं हो या ना हो मेरे बेटे। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इन केस ऑफ मशीन बी, आराम से बेटे, कोई जल्दी नहीं है। आप यहां मत देखना, आप अपना करो पहले, 1-2 मिनट में देख चुका हूं। ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो क्यूमुलेटिव ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आराम से बेटे श्रृंगार करना है, जैसे श्रीदेवी, जैसे ऐश्वर्या राय श्रृंगार करती है, आपको भी अपने आंसर का श्रृंगार करना है। कहते हैं आजकल दुनिया श्रृंगार पे मरती है, भले आपका आंसर नेट ठीक ना भी हो, अगर आपने श्रृंगार किया है, अगर आपने वर्किंग नोट्स बनाए हैं, अगर आपने फॉर्मेट लिखे हैं, जीत आप ही की होगी मेरे बेटे, जीत आप ही की होगी। लो बेटे, देख देख कर तो लिखना मेरे बेटे, कोई मुश्किल काम थोड़ी है। लो बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी लिख दिए, आराम से, कोई जल्दी नहीं है।
बेटे गुणा ही तो कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, भले आप मेरे से दूर हैं नजरों के, फिर भी कैलकुलेटर से जरूर करेंगे और ईमानदारी से करके देखेंगे। मुझे इतना मालूम है, आप पे विश्वास है बस। मैं और क्या बोलूं बेटे, मुझे और किसी का नहीं चाहिए, मुझे आप पे विश्वास है मेरे बच्चे। लो बेटा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी लिख दी। आप कुछ नहीं करना बेटे, क्यूमुलेटिव निकालना है, डिस्काउंटेड निकालना है, मुझे 5 लाख चाहिए, बस 5 ही चाहिए। लो बेटा, लो ना मेरे बेटे, लो ना बेटे, लिख लो ना, मुझे तो 5 चाहिए बेटे। एकलव्य का ऑब्जेक्टिव था कि बस उसको विश्व का धनुर्धर बनना है, एक ही ऑब्जेक्टिव था, लग गया जंगल में। बेटे आपका ऑब्जेक्टिव है बस 5 लाख रुपए लेने हैं, 5 लाख रुपए लेने हैं मेरे बेटे। लो 5 ही तो चाहिए बेटे। माइनस 319,670, ये बेटे 1,80,330 ही चाहिए। अब मैं सीधा कर रहा हूं बेटा, समझा तो चुका हूं, इनटू 12 आगे नहीं करेंगे बेटे। तो बेटे 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गए, अब ये महीने निकाल लेता हूं बेटे। ये आ गए बेटे 10.56 मंथ्स। लो जी 10 इयर्स, ओ सॉरी बेटे 3 इयर्स, 10.56 मंथ्स इज डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आराम से मेरे बेटे, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी है ही नहीं। जल्दी करें आपके दुश्मन, आप क्यों करो। अब आप बताओ, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के बेसिस में कौन सी मशीन को हमें लेना चाहिए। बड़ा सही पहचाना आपने, मशीन ए, क्योंकि उसका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कुछ कम है, ठीक है ना। तो लिखिए रिकमेंडेशन, आज की क्लास निर्णायक सिद्ध होगी अगर आपने ईमानदारी से देख लिया। तो लिखिए बेटे रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट में बी एडवाइज्ड टू बाय मशीन ए ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मेथड। आराम से बेटे, डिस्काउंटेड पे बैक के बेसिस में भी मशीन ए लेनी चाहिए। तो एक बात तो समझ आती है, शॉर्टर, ये आप लिख चुके हैं, शॉर्टर द पीबी और डिस्काउंटेड पीबी बेटर इट इज, शॉर्टर द पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक बेटर इट इज, बेटर इट इज। चलिए जी, मैं 2 टूल्स करा चुका हूं, एक का नाम है पे बैक पीरियड, एक का नाम है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। यकीन मानिए, अब जो 3 टूल्स रह गए हैं बहुत ही इजी हैं, और मैं थर्ड टूल की तरफ चल रहा हूं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आइए, आपने इसके ऊपर कंसेप्ट लिख भी दिया है, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है। अब देखिए जी, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की और नॉर्मल पे बैक पीरियड की कुछ अभी भी डीमेरिट्स बच गई है। ये तो वैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता और ऑल कैश इनफ्लोस को भी कंसिडर नहीं करता, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्काउंटेड कंसिडर करता है। लेकिन ये अभी भी ऑल कैश इनफ्लोज को कंसिडर नहीं कर रहा। तो कहते हैं यदा यदा
ही धर्मस्य गलानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम् सृजामि हम। जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने अवतार लिया। अब देखिए हम नया टूल लेकर आ रहे हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, मैं हजार बार भी लिख दूं तब भी कम है, वेरी 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 हजार बार भी लिख दूं तब भी कम है मेरे बेटे, इस बात को समझ लीजिएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV, इसमें बेटे एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसिडर करते हैं और बेटे सारी इनफ्लोज को कंसिडर करते हैं। नेट का मतलब क्या है? नेट का वैसे मतलब क्या है? किसी चीज में से किसी को कम करना तो जो बैलेंस बच जाता है उसी को तो नेट बोलते हैं। जैसे नेट बैलेंस निकालते हैं किसी भी खाते में, रामलाल अकाउंट, डेबिट माइनस क्रेडिट बाय नेट बैलेंस या टू नेट बैलेंस। तो बेटे हम इस टूल में क्या करने वाले हैं, हम करेंगे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल ऑल कैश आउटफ्लोस, सारी इनफ्लोस लेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, सारी आउटफ्लोस लेंगे और उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। अगर ये आंसर पॉजिटिव आ गया, आप बताइए पॉजिटिव कब आएगा? जब इनफ्लोस ज्यादा होंगी तो बेटे अच्छी बात है, अगर इनफ्लोस ज्यादा है आउटफ्लो से मतलब 5 लाख रुपए की आउटफ्लो है और अगर 5,15,000 मान रहा हूं इनफ्लो है तो बेटे ये तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना, अच्छी है ना ये बात। तो बेटे हम उस प्रोजेक्ट को ले लेंगे, मशीन ए को एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर बेटे नेगेटिव आ गया तो बेटे रिजेक्ट कर देंगे। एक बच्चा कहने लगा मास्टर अगर ये 0 आ गया। हाँ हाँ आ सकता है, अभी बताता हूं। अगर 0 आ गया तो 50-50, कभी कुछ खट्टी कुछ मीठी। बेटे फिर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स जो बताए थे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उनको कंसिडर करेंगे। जब पैसे से कैलकुलेट ना कर पाओ तो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स पे ध्यान देंगे, ये आ गया वो आ गया, पागल बनाया हुआ है। चलिए जी, हमने आपको, मैंने आपको इसके ऊपर एक कंसेप्ट लिखवाया था, मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप उस कंसेप्ट को निकालिएगा। मेरे ख्याल से कंसेप्ट नंबर 10 था NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर मशीन ए, आराम से बैठे NPV ऑफ मशीन ए, आराम से बैठे पहले आराम से लिख लें, पढ़ लें, फॉर मैंने कंसेप्ट लिखवाया उसको पढ़ लें, कोई जल्दी तो है ही नहीं ना, जल्दी करें आपके दुश्मन मेरे बेटे। आप क्यों करो, हद कर दी, ऐसे होती है क्या मोहब्बत, ऐसे होता है प्यार, कमाल कर दिया। आराम से, आराम से मेरे बेटे, आराम से ना, 0 बेटे सारी इनफ्लोस को लेंगे, बेटे सारी कैश इनफ्लोस को लेंगे। बेटे इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, जैसा आपने अभी किया भी था। बेटे यहां पर जो है ना हम लिखेंगे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, बेटे यहां पर हम लिखेंगे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
कैश इनफ्लोस, ध्यान से देखिएगा, बस यहीं पे ध्यान देना है। आउटफ्लोस तो बेटे ये 5 लाख रुपए की है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब आराम से कैलकुलेटर का प्रयोग करें, 1,50,000 इंटू 0.9090 मेमोरी प्लस, मैंने मेमोरी प्लस का फंक्शन यूज कर दिया, ये आ गया जी 1,36,350, 2 लाख इंटू 0.8264 मेमोरी प्लस 1,65,280 आ गया जी, 2,50,000 इंटू 0.7513 मेमोरी प्लस 1,87,825, 1,50,000 इंटू 0.6830 मेमोरी प्लस 1,02,450 मेरे बेटे कोई टेंशन नहीं है, फिर 1,00,000 इंटू 0.6209 मेमोरी प्लस, देखिए मैं कैलकुलेटर से साथ साथ कर रहा हूं, आप देखिए। अच्छा मेमोरी प्लस के बाद मैं मेमोरी MR का बटन प्रेस कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा समय बच गया और ये फिगर मेरे सामने आ गई 6,53,995। आराम से बेटे मशीन A का कर रहे हैं बेटे, NPV कर रहे हैं बेटे। NPV का मतलब होता है बेटे टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस माइनस टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस, 6,53,995 माइनस 5 लाख 1,53,995। आराम से बेटे 5 मिनट की बात रह गई है, क्लास खत्म होने वाली है, लेक्चर ही खत्म होने वाला, आप कैलकुलेटर से आराम से कर लें। मैंने ऊपर NPV लिख दिया है, मैं इसकी रिकमेंडेशन लिखने जा रहा हूं कि अगर हम मशीन A खरीदें तो हमें नेट फायदा 1,53,995 का होगा NPV। अब मैं मशीन B की निकाल दूंगा फिर रिकमेंडेशन लिख दूंगा, तो चलिए आप शुरू कर दीजिए मशीन B, मैं तब तक लाइंस वाइंस ड्रॉ कर दूं। लाइन भी तो मारनी होती है ना बेटे, लाइन भी तो मारनी होती है ना, आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। स्टेटमेंट शोइंग NPV फॉर मशीन बी, लो बेटे ईयर ईयर कैश फ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, बेटे प्रेजेंट वैल्यू लो ना बेटे, लो ना 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 लाख रुपए बेटे ये आउटफ्लो है। ये बेटे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, आराम से फिर मैं इक्वल टू का प्रयोग कर रहा हूं बेटे, लो बेटे लो मेरे बेटे बेटे ए बेटे ए मेरे बच्चे नाराज ना होना बेटे, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, नाराज ना होना बेटे नाराज ना होना, कसम होगी मेमोरी का फंक्शन यूज कर लेना ना,
लो बेटे आराम से। मैंने बेटे मेमोरी का फंक्शन यूज किया है इसलिए जल्दी हो गया। मैं चाहता हूँ आप भी मेमोरी का फंक्शन यूज करें बेटे। पहले तो m+ 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 में डालते जाएं बजाय इक्वल टू के, और फिर बेटे rm का बटन प्रेस कर दे मेमोरी रिकोलेक्ट। मैं रुके हूँ, मैं आराम से चाहता हूँ कि आप लिखें। यहां पर 5 लाख तो आएगा ही ना बेटे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। बेटे एनपीवी लिखेंगे बेटे, 6,48,750 - 5 लाख, ये आ गया 1,48,750, 1,48,750। मशीन बी खरीदें तो इतनी एनपीवी होगी, और मशीन ए खरीदें तो 1,53 होगी। चलिए बेटे रिकमेंडेशन लिखेंगे, लिखिए द मैनेजमेंट, मे बी एडवाइज्ड टू परचेज मशीन ए। द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज टू परचेज मशीन ए ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी एज डिसीजन क्राइटेरिया। बेटे दो ही टूल्स रह गए, 5 मिनट की बात रह गई बेटे, वो भी खत्म कर देते हैं। पहला क्वेश्चन तो खत्म कर दें, आज दूसरा लेक्चर हो रहा है इसमें पहला क्वेश्चन तो कर दें। अभी तक तो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, कंसेप्ट लिखे हमने बेटे। सेकंड पार्ट लास्ट, सेकंड लास्ट पार्ट तो करने दो। मैंने कहा नेक्स्ट पार्ट है जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वैसे बेटे ये रेशो है, मैं इसको लिखूं तो इसका नाम है बेनिफिट कॉस्ट रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कह दे या बेनिफिट कॉस्ट रेशो कह दे, बात एक ही है बेटे। आपने 11वीं क्लास से रेशोस करते आ रहे हैं, और रेशोस में हम ये कहते हैं कि हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है बेटे रेशो में। और बेटे जो रेशो है या तो परसेंटेज में निकालते हैं, या टाइम्स में निकालते हैं, या बेटे प्रोपोर्शंस में निकालते हैं, ये बात तो आपको पता ही है बेटे। और मैं तो ये कहता हूं रेशो का मतलब ये है किसी भी चीज को रिलेटिव टर्म्स में कैलकुलेट करना। जैसे मैं कहूं ग्रॉस प्रॉफिट अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, मान लेते हैं 10 करोड़ का है और 12 करोड़ का है, आपसे मैं कहूं बताइए कौन सी कंपनी अच्छी है, अपोलो या एमआरएफ? तो बेटे आप बता नहीं सकते वैसे, क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपको सेल्स ना दूं और मैं कहूं जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतनी है 25% की और 18% की, अब बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है, तो आप एक झटके में बोलेंगे कि अपोलो टायर्स की जो कंपनी है ये ज्यादा अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसकी रेशियो ज्यादा है, 25% है बेटे। आप बात समझ रहे हैं? इसका मतलब अगर मैं रिलेटिव टर्म्स में निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालूंगा, उसको बोलते हैं बेनिफिट कॉस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला है बेटे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स और कैश इनफ्लोस अपॉन अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट दैट इज कैश आउटफ्लोस। बेटे बेनिफिट कॉस्ट रेशियो का यही तो फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स दैट इज कैश इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट दैट इज कैश आउटफ्लोस। अब बेटे आपने ऑलरेडी किया हुआ है, कोई टेंशन ही नहीं है। मशीन ए की बताइए जी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितनी लिखेंगे,
आपने एनपीवी निकालते समय उसकी इनफ्लोज लिखी थी, मुझे याद है।